तो गाइस लेके आ चुके हैं आपके लिए एक नई और वीडियो। तो हम लोग बताएंगे कि पबजी में जो आप लोग कोई पाउडर यूज करते हो या ऑयल यूज करते हो वो बहुत ज्यादा होता है, तो एक दो गेम के लिए होता है। या फिंगर स्लिप खरीदते हो तो फिंगर स्लिप या तो फट जाता है या फिंगर स्लिप के अंदर पसीना आता है जो आपको बहुत ज्यादा अनोइंग लगता है। तो उसके लिए हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज। ये है वो, ये आप पहले भी यूज करते होंगे, मैं दिखा सकता हूँ उसके अंदर क्या है। ये देख सकते हैं आप, ये लेड है, देख सकते हैं। ये पेंसिल के अंदर जो लगाने वाली जो पेन पेंसिल आती है उसकी लेड है, सबसे मोटी वाली है ये, कुछ 9 mm की आती है, 0.9 ऐसे कुछ है। ये वाली ले लेनी है आपको, एक पैकेट में 10 रुपए की आती है ये। तो आप इसको करना क्या है, आपको लेनी है इस तरीके की एक ओखली और इसको कूटने वाला ये, इसको पहले। तो अगर आपके पास में ओखली नहीं है तो आप एक कपड़े में इन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब इतना बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ के और कपड़े के अंदर में लेके और उसको हथौड़ी से फोड़ सकते हो। उसके बाद आप अगला वाला स्टेप कर सकते हो। तो पहले हम इसको फोड़ लेते हैं ओखली में, और ओखली के अंदर में ऐसा सिल्वर कॉइल लगाना, आपके कपड़े के अंदर में भी एक सिल्वर कॉइल लगाना है क्योंकि ये बहुत पाउडरी टाइप का हो जाएगा तो इधर उधर जा सकता है ये। तो मैंने अंदर साइड में ऐसा सिल्वर फॉइल लगा लिया, 3-4 लेयर है वो सिल्वर फॉइल की, और मैं उस पर अब रख कर कूटूंगा। तो अब मिलते हैं इसको कूटने के बाद में। तो गाइस देख सकते हैं ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल पाउडरी फॉर्म है, मैं तो इसको बिल्कुल नहीं छूंगा। जो हल्का सा छुआ था मैंने इसको लग गया था ही मेरे हाथ में, क्योंकि अभी ये रेडी नहीं हुआ है, ये सेकेंड स्टेप होने जा रहा है अभी इसके ऊपर में। तो मैंने लिया है यहाँ पे एक चाय छानने वाली चाय छन्नी, ये चाय छन्नी से मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके टिश्यू पेपर के ऊपर में सारा निकालूंगा ताकि मोटे मोटे पार्ट ना रहे और उससे पाउडरिंग जाए। मैंने इसके नीचे न्यूज़ पेपर रख दिया, अगर गलती से इधर उधर जाता है तो न्यूज़ पेपर में गिरेगा। तो मैं इसको ऐसे करके बिल्कुल आराम आराम से छानूंगा मैं, उसके बाद फिर पाउडरिंग निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। गाइस देख सकते हैं ये मैं बहुत धीरे धीरे करके निकालूंगा, देख सकते हैं ये आ रहा है जैसे, बिल्कुल ऐसे ही करके निकालना है। बिल्कुल पाउडर चाहिए हमें, मोटा वाला बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं हमें मोटा मोटा थोड़ा सा रह गया है, ये वाला हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये ब्लैक वाला चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे, इस वाले को फिर से कूटेंगे, तब तक इसको कूटते रहेंगे और ऐसे करते रहेंगे जब तक कि ऐसा ना हो जाए। तो इसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा सा है, ये बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो ये मैं फिर से लूँगा एक ये अपनी चाय छन्नी में। चाय छन्नी को पहले यहाँ रख देते हैं, फिर इसमें लेंगे, फिर वही चीज़ करेंगे सेम। थोड़ा सा ये अंदर साइड भी जा चुका है क्योंकि फोल्ड सही से हुआ नहीं, तो मेरे पास कम था सिल्वर पर, ख़त्म हो गया, मुझे फिर से लेके आना है। तो मैं फिर ऐसे करके निकाल लूँगा और जो वेस्ट जो अब बचेगा उसको मैं फेंक दूँगा, या आप रख सकते हो उसको नेक्स्ट टाइम में भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इतना काफ़ी है। इतने से आपको लगभग आप एक सीज़न तो आराम से खेल लोगे, एक सीज़न बिल्कुल आराम से खेल लोगे आप सिर्फ ये 10 रुपये में। आपको खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं 250 रुपये की, और उसके बाद वो अनोइंग भी लगता है बहुत। सिल्वर फॉइल का कुछ ऐसा टाइप का बना लिया है मैंने, ये लाइटिंग देख के बहुत परेशान होना क्योंकि ये मेरे रूम की लाइटिंग है, तो मैं इसको इसमें भी ट्रांसफ़र करता हूँ। मैंने इसमें कंट्रोल इसमें कर दिया, आप इसको एकदम मस्त ऐसे घुमा घुमा के रख सकते हैं अपने जेब वेब में, या आपका जो भी बैग है वो गेमिंग का उसमें रख सकते हैं आप, या अपने गेमिंग रूम में साइड में थोड़ा सा एक कटोरी में करके रख सकते हैं। अगर आपके घर में पबजी अलाउड नहीं है तो आप बिल्कुल ये काम ना करें क्योंकि डंडे पड़ सकते हैं। देख सकते हो जैसे ये मेरा हाथ हो गया है, बिल्कुल इसी तरीके से रखना है क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है और ये छूटता नहीं है। जब मतलब पाउडर और ऑयल जो होता है वो छूट जाता है, ये सिर्फ आप जब हाथ में जब सोप लगाओगे तभी छूटेगा। इसको यूज़ कैसे करना है, बिल्कुल एक उंगली से इसको ऐसे टच करना है, कोई डेस्क पे गिराना है हल्का सा और उसको वहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर देना है, बिल्कुल हल्का सा, बस इतना समझ लीजिए आप 10 गेम खेल सकते हो उससे। हल्का सा अंगूठे में लगाना है, हल्का सा बस, ये लग जाएगा। देख सकते हो आप, जैसे मान लो इसमें मेरा नहीं लगा है, तो मैं हल्का सा घुमाऊंगा यहाँ पे, देख सकते हो लग गया है। उस तरीके से आपको ऐसे लगाना है और फिर ये बहुत स्मूथ हो जाएगा, मैं और पसीना भी आएगा अगर आपके हाथ में तो ये नहीं छूटेगा, ये पानी से एकदम नहीं छूटेगा, हाथ आपका बिल्कुल स्मूथ चलेगा। इस पर आप पानी गिराओगे तो पानी स्लिप हो जाएगा इससे, बिल्कुल ये ओपी चीज़ है, एकदम न्यू है, यूट्यूब पे किसी के पास नहीं है, सिर्फ आपके भाई लेके आया है आपके लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि उसके लिए मोर तरीके के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और इसको एंजॉय करो।